ऊपर से नीचे तक चीर डालेगा, उसकी माँ का फिर कौन क्या उखाड़ता है देख लेगा। नमस्कार, इस वीडियो में संवाद करेंगे श्रीकांत उड़ेला के डायरेक्शन में बनी नानी एंड कीर्ति सुरेश स्टारर पैन इंडिया तेलुगु नई रिलीज फिल्म दशहरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म दशहरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की, तो फिल्म दशहरा का आज बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म दशहरा का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर कमाई रही है। फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म दशहरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की बात करें तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 5 करोड़ का टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म दशहरा का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म तेलुगु फिल्मों के मामले में 2023 में फिल्म वीरा सिंह रेड्डी और वाल्टियर वीरैया के बाद तीसरी बेस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म दशहरा के बजट की बात कर ले तो फिल्म दशहरा को ओवरऑल 85 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म नानी के करियर की वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। फिल्म का फर्स्ट हाफ का आखिरी 15 मिनट फिल्म की जान है। वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स काफी जबरदस्त है। फिल्म दशहरा दोस्तों आपने देखी या ना देखी, अगर आपने ब्लॉकबस्टर फिल्म दशहरा को मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अजय देवगन की डायरेक्टेड फिल्म भोला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे अजय देवगन के डायरेक्शन में बनी फिल्म भोला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की, तो फिल्म भोला का आज बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म भोला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की बात करें, फिल्म भोला ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर 4 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म भोला का अभी तक टोटल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस से 57.48 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म भोला का डे 7 तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 80 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म ओवरसीज मार्केट में $1 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म भोला को ओवरऑल 100 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड सैलरीज को मिलाकर। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म भोला 2019 में आई लोकेश कनकराज के डायरेक्शन में बनी कार्तिक स्टारर फिल्म कैथी की हिंदी रीमेक है। तो फिल्म भोला का बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई रही है। फिल्म एक एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिलम्बरसम गौतम कार्तिक वासुदेव मेनन प्रिया भवानी शंकर एंड अनु सितारा स्टारर तमिल नई रिलीज फिल्म पथुथाला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म पथुथाला का आज बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म पथुथाला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की बात करें तो फिल्म पथुथाला ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 1.45 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई की है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से 1.10 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई रही है। इसी के साथ फिल्म पथुथाला का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से अभी तक टोटल 52.45 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से टोटल 33.10 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 35 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म को हिट होने के लिए 40 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। दोस्तों फिल्म पथुथाला अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शंस कर 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म की कमाई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट है। फिल्म पथुथाला दोस्तों आपने देखी या ना देखी, दोस्तों अगर आपने ब्लॉकबस्टर फिल्म पथुथाला को मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं विजय सेतुपति भवानी श्री स्टारर तमिल नई रिलीज फिल्म विदुथलाई पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म विदुथलाई पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 की, तो फिल्म विदुथलाई का बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन देखने को मिल रहा है। फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म विदुथलाई पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 3.80 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई की है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से टोटल 2.40 करोड़ की ग्रॉस कमाई रही। इसी के साथ फिल्म विदुथलाई पार्ट 1 का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 33.80 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से टोटल 25.25 करोड़ की ग्रॉस कमाई रही है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 20 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। वहीं फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म विदुथलाई पार्ट 1 7 अप्रैल 2023 को तेलुगु वर्जन में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। दोस्तों फिल्म विदुथलाई पार्ट 1 आपने देखी या ना देखी, अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेकर जो कहा, फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।